ये मिस इंडिया में क्या होता है सचमुच में सच मत मुझो <laughs> क्योंकि झूठ मैं बोल नहीं सकती और सच शायद मैं बता रहा पाऊ बता ही दीजिए आप <laughs> इतना <laughs> चलो उतना ही बताऊंगी इतना बता सकती हूँ वो एक दुनिया थी जिसमें जाके मैं जैसे मैंने कहा कि मैंने 2008 एक्सपेरिमेंट हां एक्सपेरिमेंट करते करते सब कुछ किया लाइफ में तो ये भी एक वही था कि चलो चल के देखते क्या होता है सी मिस इंडिया बनेगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था को चल के देखते कि क्या होता है तो वो देखा टीवी पे देखते क्या होता है हो गई सेलेक्ट क्यों आपको तो देख के वही सोच रही हूँ कि करते करते? अच्छा। तो दिल्ली से दो तीन लड़किया थी उनमें से मैं थी एक मैं और बाकी सब प्रोफेशनल मॉडल्स थी और कॉलेज में एकदम हंगामा

क्योंकि वो रात को होते हैं शूज और मेरे को घर पे पापा को पता नहीं था पापा अलाउ नहीं करेंगे तो वो, नहीं था। तो वो तो तो चली तो गई बॉम्बे अच्छा मुंबई बुलाते हैं सबको हाँ। ट्वेंटी हैं वो मुंबई आ जाते हैं और फिर आपकी ग्रूमिंग होती है कुछ हफ्तों की वही तो जानना है तो ग्रूमिंग के अंदर मुझे पता चला मैं मेरा निचोड़ था उस तीन चार हफ्ते के बाद कि ये अपने बस का नहीं है तो एक काम करते हैं चौथे हफ़, तीसरे हफ्ते के ना मैंने निकाली अपनी किताबें मैं यहाँ पे भी किताबें लेके गई थी मतलब <laughs> लोग कहेंगे कितनी क्या है मेरे सेशनल एग्जाम थे दो दिन के बाद फाइनल्स के दो दिन के बाद इंजीनियरिंग के मेरे सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के तो मैंने कहा ये तो ठीक है ये तो मैं को करिकुलर एक्टिविटी है मेरा मेन तो वही है मेरे को प... नंबर तो आने हैं वरना तो पापा ने वाट लगा देने घर पे तो पर इसके लिए उन्होंने बोल दिया कि चली जाओ चार हफ्ते के लिए क्योंकि डील अपनी सेट है ना नंबर मैं तुम्हें तो लाऊंगी आप मेरे को ये करने दो आप मुझे जो करना है मुझे करने दो पर सही से बताओ क्या सिखाते क्या है चलना कैसे है उठना बैठना कैसे है कैसे कैसे चलना सिखाते वो बहुत डिफिकल्ट मेरी बहुत बेइज्जती हुई है वहां पे मेरे को रैम पे चला चलवा रहे थे हेमंत त्रिवेदी होते थे उस टाइम पे आ, आपके एक्सपर्ट जो आपको सिखाएंगे उन्होंने मेरी बहुत बेस्ती करी थी सबके सामने तो क्यों मतलब कुछ उदाहरण जैसे कि जैसे कि इफ इट वाज इन माय हैंड यू वुड हैव नेवर बीन इन द टॉप ट्वेंटी एट सो मतलब

गम्स नहीं दिखने चाहिए मैं कहूं क्यों मैं तो जोर से हंसूंगी हाँ हाँ करके तो दिखेंगे गम्स वो अच्छे नहीं तो हंसने की चार जरा हाँ लेवल्स ऑफ स्माइल चार चरण है हाँ, हा, पहला कैसा, होता है? होता है? कि मतलब एक स्माइल तराजू तो लेके तौल के तौल ऐसे का कोई? बट आपको पता होना चाहिए ना कि कितनी स्माइल ऐसे मतलब बहुत आप सोचो। और ये भी बताते हैं कि किस मौके पर तीसरा फेज में जाना है या चौथे में जाना है नहीं ऐसा नहीं याद मुझे मुझे चार लेवल वाली बात बड़ी स्ट्रेंज लगी थी इसलिए मुझे याद है अभी तक देवी और सज्जनों हंसी के चार चरण <laughs> वाह जी तो वो सब सिखाया और फिर आपके स्किन को कैसे मेंटेन करना है ये सब ग्रूमिंग चीज एक चीज एक अच्छी पता चली मुझे उससे Uh, मेरे बाल जो है मैं पहले जैसे कि हर घर में होता है रेगुलर तेल लगाओ कोम करो चोटी बनाओ संडे के संडे आपको सिर धोने हैं बचपन से ऐसे ही बाल हाँ तो सिर और घुंगाले बालों को मेंटेन करने का तरीका अलग होता है जो मुझे नहीं है? पता था उसको कोम नहीं करना होता फिर आप कंगी नहीं लगा सकते घुंगाले बालों को ये मुझे नहीं पता थी बात ये तो जाएंगे तो तो आप तेल लगा के धोने के पहले कर लो बट आप धोने के बाद कंगी नहीं लगाएंगे बालों में ये बात मुझे नहीं पता थी तुम नहीं नहीं, करती हो? तभी ऐसे बहुत सारी है मत ढूंढना मिल भी जाएंगी आपको सत्य साई बाबा नहीं है उनकी तरह मेरे बाल ऐसे तो बहुत एम्बेसिंग था क्योंकि वो मेरे को देखते इसको इतना नहीं पता कि अपने बाल कैसे इसको मेंटेन करने है। मैंने कहा मुझे मैं कैसे मतलब क्यों बताएगा कोई मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ मैंने जहाँ से स्कूल किया है मेरे मेरे फैमिली में मेरे डैड के बाल कर उनको भी भा... तो कोडिंग नहीं आती ये <laughs> क्या बात हुई वहाँ पे कोडिंग नहीं पूछ रहे थे ना हाँ <laughs> तो बट किसी ने मुझे सिखाया नहीं कि कैसे करली बाल मेंटेन करते हैं पापा के करली बाल हैं सिर्फ पूरी फैमिली के अंदर और उनको तो पग के अंदर होते हैं तो उनको तो वैसे ही कुछ नहीं करना होता तो फिर अभी कैसे पता चलेगा तो ये एक अच्छी चीज़ अगर कोई मुझसे पूछे कि आपने आप क्या अच्छा लेके जा रहे हैं अपने मिस इंडिया से क्या आपने अच्छा तो दो एक्चुअली चीज़ें एक ये कि करली वाल को कोम नहीं करते दूसरी मेरी जो फ्रेंड है जिसके साथ मैंने अपनी वेडिंग प्लानिंग कंपनी खोली फारा ये मेरी दो गुड हैप्पी वो हो भी हो मिस इंडिया बनने आई थी वो तो पता नहीं क्या ही बनने आई थी मतलब <laughs> फारा फरवरे पारसी वो उसका क्या, बन... क्या दूसरा शब्द क्या बोला आपने परवरेश नाम है उसका बट उसका ना एक्सेंट होता था उस टाइम पे क्योंकि वो अभी यू एस से आई थी वापस पढ़ के तो उसका बड़ा मजाक उड़ाती वो ऐसा ना मेरे पास आई पहले एकदम तो ऐसे बैग टांग के और मैं वहाँ पे ना अपना जीन्स और मतलब जैसे कॉलेज के अंदर कैजुअल तैयार होके आते हैं मैं अपनी जो फर्स्ट सेरेमनी के अंदर जीन्स और वो डाल के एक बड़ा एथलेजर से कपड़े अपने मैं बैठ गई और वो आई एकदम तैयार होके मेरे बाजू में हाय फारा पावर मैं हूँ फारा पावर फारा परवरेश नाम है उसका

ये मैं याद रखूंगी तो फिर आखिरी में जैसे वो हेमंत तो बार बार कह रहे थे कि तुम आ कैसे गई तो फिर ऐसे वो वो दिल तोड़ने वाला वो मोमेंट आता है कि ये ये लड़कियां और अब इनमें बची ये 4, 3। नहीं मुझे पहले पता चल गया था एक हफ्ता पहले जब मैंने किताबें खोली उससे पहले पता चल गया था मुझे की मुझे नहीं डालेंगे टॉप टेन टॉप टॉप फाइव टॉप टेन का तो नहीं पता था क्योंकि मेरे पास दो सब थे तो मुझे लगा शायद दे ही दे टॉप टेन तो क्योंकि दो सब थे ही मेरे पास दो सब टाइटल मिलते हैं वहां पे आपको कि बेस्ट स्किन बेस्ट हेयर बेस्ट स्माइल बेस्ट ये बेस्ट वो एंड ऑल कौन कौन से बेस्ट मिले स्किन और द फेस सो मुझे फिर उन्होंने जब नहीं रखा वो दस मुझे तो दस तक शायद ले आए उसके बाद नहीं लेके आएंगे या वो बहुत कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं तुम अपने तीन साल के सारे अर्निंग्स के तीस परसेंट आप इनको देंगे चाहे ये आपको काम ला के दें या ना ला के दें वो आपको एंट्री करने से पहले साइन करके देना पड़ता है नहीं तो आप

अच्छा, इग्नोर कर रहे थे तुमको मुझे नहीं मतलब इग्नोर सबको कर रहे थे वो चार पांच को एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दी जा जा रही थी तो समझ में आ गया था कि आ, कौन जाने वाला आगे तो वो मोर्चा और मैंने और फारा ने उठाना शुरू किया होगा हो सबका टाइम वेस्ट करो यहाँ पे तो, तो, मजदूर यूनियन जिंदाबाद बट <laughs> इवेंचुअली जब हुआ और फारा एक्चुअली आ गई थी दस के अंदर मैं नहीं आई तो फारा की तो उम्मीद थोड़ी सी बढ़ा के तोड़ी उन्होंने मेरी तो पहले सी तोड़ी थी <laughs> मैं बड़ा थी मेरे कहा तू बड़ा सोच रही थी तेरे को कुछ मिलने वाला तो उसके बाद दब, जब जब हुआ और जो भी मतलब आफ्टर पार्टी हुई उसके बाद तो उसके अंदर हम गए तैयार होके तो पारा ना अपना क्राउन के साथ मैचिंग गाउन लेके आई थी जैसे वो जीतने वाली तो उसका था उसके बाद हम गए उस पार्टी के अंदर तो वहाँ का जो नेशनल डायरेक्टर नहीं 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 लेकर ले आओ वो जो ग्राउंड में पहनोगे वो डिजाइनर्स का हर एक डिजाइनर का एक ग्राउंड होता है वो जो पार्टी में आप पहन रहे हो या रोजमर्रा ट्रेनिंग के टाइम पे पहन रहे हो वो आपके खुद के कपड़े तो वहाँ पे जब फाइनल फिनाले पार्टी हो रही थी आफ्टर पार्टी हो रही थी तो उसके अंदर मुझे जो नेशनल डायरेक्टर थे वो आके ऐसे यू यू नो नो कर्टियसली ओके गुड लक फॉर द फ्यूचर एनऑल पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आ रखा था मैंने कहा सर टेक इट मी इन राइटिंग यू आर नॉट गेटिंग द क्राउन बैक मतलब कि उससे पहले 2000 में जीते थे हम लोग मिस इंडिया मिस वर्ल्ड यूनिवर्स crown नॉट गेटिंग year. <laughs> मुझे नहीं पता <laughs> मैंने ऐसा क्यों बोला था मेरे को आया गट फीलिंग इंस्टिंक्ट मैंने बोल दिया पर ये तो तुम्हारे साथ समस्या अभी भी है भी में. <laughs> समस्या है ये कि मैं जो मेरे बोल देती, बोल देती जो मेरे इंस्टिंक्ट में मुझे एक तो वो बड़ा अनफेयर सा लगा जिस तरीके से चीजें हो रही थी hmm. तो मुझे लगा मैंने बोल दिया बट आई एम ग्लैड एटलीस्ट आई वाज नॉट प्रोवन रॉन्ग मतलब बहुत मतलब गिल्ट में ही मर जाती मैं कि मैं क्या बोल रही हूँ